हे गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास मैक्रोमैक्स इन नोट 2। तो इस फोन का दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल रिव्यू देंगे, इस फोन के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इस फोन को फर्स्ट सेल में बाय किया हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके का फ्लिपकार्ट का बॉक्स पैकेजिंग मिल जाता है। तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर, फर्स्ट सेल यूनिट है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्नोमास्टरजी। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रोमैक्स इन नोट 2 का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल यूनिट में मैं ये बाय किया हूँ। ओके, तो इसे अभी अनबॉक्स करते हैं। तो गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरे पास मैक्रोमैक्स का इन नोट 2। तो गैस, मैक्रोमैक्स इन नोट 2 का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, पीछे दोस्तों यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों फटाक से इसे अनबॉक्स करते हैं। रैप को हटाने के बाद यहाँ पे सील है, सील को भी ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे सबसे पहले रखा हुआ है ये फ़ोन। तो फ़ोन को निकाल लेते हैं। ओके, और फ़ोन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं रैपिंग किया हुआ है। इस रैपर को हटाते हैं और फर्स्ट लुक दिखाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये डिज़ाइन देखने को मिल जाता है बैक साइड का। वाओ, काफ़ी खूबसूरत लुक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये मेरे पास जो है ये ब्लैक कलर में, इसका एक ब्राउन कलर आता है जो कि मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट सेल में बुक किया हूँ, ये ब्लैक कलर में बुक किया हूँ। ओके, और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक लीड है। लीड को हटाते ही यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है जिसको आप अगर ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड, एक केस दिया गया है, और केस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेम्पर ग्लास है। ये प्लास्टिक नहीं है फ्रेंड्स, ये एक ग्लास दिया गया है क्योंकि अभी ग्लास चल रहा है। तो मैक्रोमैक्स ये काफ़ी अच्छा चीज़ किया है कि ग्लास दे रहा है फ़ोन के साथ, और यहाँ पे वाइप्स वगैरह है ग्लास लगाते वक्त क्लीन करने के लिए। और केस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये टिप्यू केस देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और भी बॉक्स की कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 33 वाट का एक चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। फ़ोन में दोस्तों 30 वाट का ही चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन 33 वाट मिल रहा है। और यहाँ पे केबल की बात किया जाए तो A to C केबल देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप सी केबल है। ओके, फ़ोन की बैक साइड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लुक देखने को मिल जाता है बैक साइड का। ये कैमरा सेटअप है जिस पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, एक LED फ्लैश के साथ। नीचे इनका ब्रांडिंग है। पीछे दोस्तों यहाँ पे आप ये जो सेक्शन देख सकते हैं ये ग्लास यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी मस्त है। आप अगर इस फ़ोन को हाथ में लेते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम सा फील देगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन के फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल में आपको यहाँ पे एक डॉट नॉच डिस्प्ले दिया गया है। ओके, इस डॉट के अंदर 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और डिस्प्ले की बात करें तो फ्रेंड्स 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ना, काफ़ी आपको ब्राइट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे टच एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मेरे को वैसा कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं, काफ़ी फास्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गेम वगैरह खेलते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होने वाला है। बटन एंड पोर्ट्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, प्राइमरी माइक मिलता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। राइट साइड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑन ऑफ में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है। ओके, इसी से दोस्तों आपको फ़ोन को अनलॉक या फिर लॉक करना है। उसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, बस यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल स्लिम स्लॉट यूज़ किया गया है जिसमें आप 2 नैनो सिम के साथ 1 SD कार्ड आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में। अब दोस्तों फ़ोन की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे जो कैमरा इंटरफेस है ये दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आया। जो रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LED फ्लैश दिया गया है। ये दोस्तों ग्लास यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास में जो पैटर्न बन रहा है ये भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।
तो आपका क्या राय है इस बैक डिजाइन बिल्ड क्वालिटी को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे काफ़ी पसंद आया। फ़ोन के अंदर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर वही सेम आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल है, वीडियो है, फोटो है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1080p 4K या फिर 720p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, नाइट मोड दिया गया है। मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। QR स्कैन है, पैनारोमा है, सेल्फी है, टाइम लेप्स है, स्लो मोशन और मैक्रो लेंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों कैमरा रिव्यू करेंगे, उसमें आपको डिटेल रिव्यू देंगे कि किस तरीके का कैमरा है इस फ़ोन में। ओके, फ़ोन के अंदर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैटरी मिल जाता है ये दोस्तों आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है इस फ़ोन में। फ़ोन के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन में दोस्तों आपको मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आपका ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है मैक्रोमैक्स इन नोट 2, इसे दोस्तों मैं फर्स्ट सेल में बाय किया हूँ 12,500 के अराउंड। ओके, आप अगर इसे अभी अगर परचेस करना चाहते हैं तो आपको 13,499 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। आपका अगर कुछ इस फ़ोन के रिलेटेड पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी दोस्तों इस फ़ोन की फेस लॉक और फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिल जाता है, देखिए इस तरीके से वर्क करता है। ये मैं टच किया ओपन, तो यहाँ पे एक हल्का सा स्लाइड एनिमेशन होने के बाद ये ओपन हो जा रहा है, काफ़ी फास्ट है, जैसे कि आप सुन सकते हैं आवाज़ से पता चल रहा होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और फेस लॉक की बात करें तो यहाँ पे फेस लॉक चेक कर लेते हैं। ओके, नहीं खुला, ओके खुल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस लॉक भी काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है। तो फेस लॉक और फिंगरप्रिंट के मामले में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। सोशल मीडिया के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, तो आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों इस फोन का क्या आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये फोन आपको अगर बाय करना हो, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।